प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्प दत्ता प्रताप के द्वारा लिखित पुस्तक यात्रा के पड़ाव का स्वर पाठ। स्वर डॉक्टर अतुल भटनागर का है। आठवां पड़ाव विश्रांति 1945 से 1963। टीकमगढ़ का एक लड़का श्री गोपाल जरा ज्यादा पूछा पाठी हो गया और देवी के दर्शन पाने के लिए उसने अपना गला काट लिया। अस्पताल में लाला जी ने इलाज किया, फिर बरसों तक वो उनका बेटा बना रहा। रुपया पढ़ाई के लिए उसे भेजा जाता, छुट्टियों में हमारे घर ही आता। जेल में कई फांसी सजा याफ्ता डाकुओं को लाला जी धार्मिक उपदेश देते थे, रामायण पढ़ने की प्रेरणा देते थे। सुखुआ डाकू ने मरने के पहले कहा था, डॉक्टर साहब आप पहले क्यों नहीं मिल गए, मैं डाकू नहीं बनता। लाला जी जेल के सुपरिटेंडेंट भी थे। अपना इतना बड़ा परिवार होते हुए भी न जाने कितने और बच्चों को पढ़ाई के लिए वजीफे देते थे। अगर कोई पढ़ने में फर्स्ट आ गया तब तो उसे और भी मदद करते थे। विलायत जाकर आगे पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता देने से भी पीछे नहीं हटते थे। किसी को रजाई बनवा देते थे, किसी को कंबल, चुपचाप न जाने किस किस को सहायता करते रहते थे। फीस तो गरीबों से लेते ही नहीं थे, दवा भी मुफ्त देते थे। दूसरे महायुद्ध के समय हमारे लाला जी रोज बड़े ध्यान से 8 बजे सवेरे रेडियो पर समाचार सुनते थे। एक दिन समाचार आया कि HMIS हिंदुस्तान जहाज पर सेलर्स ने बलवा कर दिया है, गनरी अफसर से गन छीन कर उन पर हमला कर दिया है। अफसरों की अभी कोई खबर नहीं है। हमारा भाई प्रताप दादा ही गनरी ऑफिसर था। 3 दिन तक उसका कोई समाचार न मिल पाया, परंतु बड़े धैर्य व साहस से मेरे माता पिता ने समय काटा। वे अपने राम की कृपा पर पूर्ण विश्वास किए रहे। 3 दिन बाद दादा के सुरक्षित होने का समाचार पाकर माता पिता ने चैन की सांस ली। मेरे पिता अपने सेंट्रल हिंदू स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर रिचर्डसन का बहुत आदर करते थे। डॉक्टर रिचर्डसन ने बालक यानी मेरे पिता को मेधावी और मेहनती देखकर 1901 से 1903 तक उनकी फीस माफ कर दी थी। मेरे पिता ने मृत्यु के 1 वर्ष पहले 1962 में वहां के प्रिंसिपल को पत्र लिखा कि मैं विद्यालय के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करने के लिए ये तुच्छ भेंट भेज रहा हूं, जहां मुझे निशुल्क पढ़ने की सुविधा मिली। यदि डॉक्टर रिचर्डसन आज जीवित होते तो मैं स्वयं उन्हें इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता। जीवन में मेरी जो भी उन्नति हुई है उसके मूल में उनकी कृपा दृष्टि ही है। साथ में एक 5,000 रुपये का चेक भी था। शायद वे अपने ऊपर बीते दिनों में किए गए उपकारों को कभी नहीं भूले और जीवन पर्यंत जरूरतमंदों की सहायता करते रहे। हमारे लाला जी शाम को क्लब जाकर ब्रिज, टेनिस, क्रिकेट खेलते थे, परंतु उन्हें शतरंज खेलने का बहुत शौक था। गर्मियों की छुट्टियों में जब मठन मामा व माधो प्रसाद फूफा जी आते तब घंटों शतरंज जमती थी। देख देख कर सब छोटे बच्चे भी खेलना सीख गए थे। लाला जी बच्चों के संग भी खेलते थे पर फर्जी हटा देते थे। एक दिन बोले, अब इंदर के साथ फर्जी हटाकर नहीं लेकर खेलूंगा, इसके साथ तो बादशाह बचाना मुश्किल हुआ जा रहा है। 5 बरस के इंदर ने शतरंज में इतनी प्रवीणता पाई कि बड़े होने पर जर्मनी में एक मास्टर खिलाड़ी जब 10 अन्य के साथ एक साथ खेल रहा था तो इंदर भी जा बैठा। जिन 4 को वो मास्टर हरा नहीं पाया उसमें इंदर भी एक था।
हमारे पिता एक बच्चे की तुलना कभी दूसरे से नहीं करते थे। जिसकी रुझान जिस ओर देखते उधर ही उसे उत्साहित करते थे। परंतु जब इंदर का हाई स्कूल का परीक्षा फल आया और हम खुशी से यह खबर लाला जी को देने गए तो वे चौंक गए। बोले, क्या इंदर 10th पास हो गया? वह तो अभी 14 ही बरस का है। हम लोगों ने बताया कि उसे प्रथम श्रेणी मिली है और संस्कृत में डिस्टिंक्शन भी है। वे खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गए। बेटे, साइंस नहीं ली थी क्या? ये विषय तुम्हारे कैरियर के लिए काम के नहीं है। अब तुम गर्मी की छुट्टियों में बैठकर साइंस पढ़ डालो और इंटर में विज्ञान के विषय लो। हम सब और विशेष रूप से इंदर घबराया, परंतु फिर उसने वही किया और विज्ञान लेकर आगे की पढ़ाई की। वह सफल इंजीनियर होकर जर्मनी चला गया और निरंतर उन्नति करता गया। हमारे यहां एक तांगा भी आ गया था। पेट्रोल पर राशन लग गया था द्वितीय महायुद्ध के बाद, पर वह घोड़ा बड़ा अड़ियल था। जब हम लोग भूतेश्वर महादेव के दर्शन को जाना चाहते थे तब वह घोड़ा चौराहे के आगे ही नहीं बढ़ता था। उसे मालूम था सीधे जाना माने भूतेश्वर और बाएं मुड़ जाना माने स्टेशन। यदि हम लोग बहुत जिद करते थे तो वह घोड़ा हमें लाकर स्टेशन पर खड़ा कर देता था। मानो कहता, बस अब तुम अपने बनारस जाओ। मथुरा की चारों दिशाओं में महादेव के 4 पुरातन सुंदर मंदिर हैं। पश्चिम में भूतेश्वर है, परंतु अड़ियल घोड़े की कृपा से बस एक बार ही उनके दर्शन हो पाए। किसी ने हमें वहां बताया कि मथुरावासी व्यर्थ में परिश्रम करने के आदि नहीं है। यहां मंदिरों में सदा व्रत बटता है तो बिना हाथ पैर हिलाए भोजन की व्यवस्था हो जाती है। इसी मिट्टी पानी का प्रभाव है कि घोड़ा भी परिश्रम से बचता है। इस बात का प्रमाण हमें बाद में मिलता गया जब सेवकों व मजदूरों तक को मुंह पे ना होवे कहते सुना।